हाँ हाँ राधे राधे गोलू जी, खुश रहो बेटा, राधे राधे। मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। नालायण नाल दहली कपिल देव शीलाम अंत हर गिव मोहिनी दत्ता ते तुगदाम नंती वामन व्यास जी लिश देव कमान यज्ञ पुल धनवंतली बौद्ध कल की अवतार पितुला जावा लह अपनी की चंद भगवान पल शुलाम मत कमत वेद पुला पदम पुराण प्रमाण। ठीक है, ये भगवान के 24 अवतारों के नाम बता रही है बेटी। 5.5 महीने में ये पैदा हो गई थी, तो साढ़े माँ के पेट में 5.5 महीने तक रही और फिर जी। हाँ जी। और मिला ये वाले की हंस अवतार क्यों लिए थे भगवान? ब्रह्मा जी को उपदेश करने के लिए, ब्रह्मा जी को उपदेश करने के लिए भगवान ने हंस का अवतार धारण किया था। मैया आपसे कुछ बात करना चाहिए। कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, स्त्रियों को कौन से हाथ में अंगूठी पहननी चाहिए? 10 उंगलियों में पहनो, भगवान करे खूब अंगूठियां हो। मतलब आप उस दिन बताए थे ना कि सोने का अंगूठी पहनो, ऐसे तो दाहिने हाथ या? हाँ, तो अंगूठी पहन सकते हैं, किसी भी हाथ में पहन सकते हैं। अच्छा। लोग तो सोने का दांत भी लगाते हैं। दांत भी मतलब सोना मढ़वा लेते हैं दांत में, तो सोना सुबह कहीं भी पहनो, दाहिने हाथ में पहना जाता है। कोशिश यही हो, जब बाएं हाथ में पहनोगे तो नहाने धोने के टाइम पर उतारना पड़ेगा, दाहिने हाथ में पहन सकते हैं। बढ़िया। अनामिका है, मध्यमा है, कनिष्ठिका है, जहाँ हो जाए, लोग तो 10ों में पहनते हैं। और मैं मिथिला से हूँ गुरुजी, तो वहाँ पे ना अभी ऐसे भ्रांति फैल गई है कि बच्चों के जन्म हो या फिर किसी की मृत्यु हो तो मछली काट के और वो मतलब 13 दिन में खिलाते हैं, बच्चे के जन्म में 6वें दिन में खिलाते हैं और भगवान ऐसा बोलते हैं कि भगवान को चढ़ाना है तो मछली। हाँ, मैंने सुना बकरा काटते हैं। हाँ, नहीं मछली वहाँ पे मिथिला मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की। अच्छा। हूँ तो मैं भी खाने लगी थी आपके कथा में जुड़ने से पहले। क्या बोलते कि जो मतलब सौभाग्यवती है उनको मछली खाना अच्छा है, शुभ होता है, लेकिन आपकी कथा सुनने से ना बहुत सारे मेरे अंदर बदलाव आए। और सबसे बड़ी बात ये, मैं मुझे ये समझ आई कि किसी को हत्या करके हम अपने सौभाग्य को कैसे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो ये आपकी कथा के माध्यम से हमें रोज नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं वैसे तो सही हूँ, जयपुर से आई हूँ मैं। हाँ। और ये मेरे पति देव हैं, बाकी परिवार में सब बहुत अच्छे हैं, मेरी बहू बेटे सब बहुत प्यार करते हैं मुझे। पर मेरा एक प्रश्न है गुरुजी, हम लोग गया जी गए थे तो वहाँ हमने गया श्राद्ध वगैरह करा, तर्पण करा, तो वहाँ ऐसे बताया था कि जैसे हम लोग जैसे तिथि वगैरह आए तो उनका श्राद्ध ना करें, पर अब आप बताइए कि क्या करना है? किसका श्राद्ध? जैसे मेरे ससुर जी हैं। हाँ, तो श्राद्ध कर सकते हैं। तो वहाँ तो उन्होंने ऐसे कह दिया था कि अब जैसे यहाँ आप तर्पण करे हो तो कुछ नहीं करोगे। नहीं, श्राद्ध कर सकते हैं, पिंडदान एक बार हो गया तो फिर पिंडदान नहीं करते। अच्छा। बाकी तर्पण तो कर सकते हैं, भागवत जीवन के लिए करा सकते हैं। तो जैसे मेरी ताई जी वगैरह कह रहे थे कि बोले अब हम ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे कि नहीं कराएंगे? हाँ, भोजन पानी तो कराओ, शुभ कार्य करने कभी बंद ना करो। तो जैसे उनकी तिथि आती है और उनकी तिथि पर हमेशा उनके नाम से किसी को भोग लगाओ, कन्याओं को खवाओ, गरीबों को खिलाओ, ब्राह्मणों को खिलाओ, गाय को खिलाओ, क्या दिक्कत है? तो नाम ले सकते हैं उनका? बिल्कुल बिल्कुल, उनके नाम से खिलाओ। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, वहाँ के लोग तो मना करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ मत करना? वहाँ के लोगों से हमने पूछा, पंडितों से, तो बोलते हैं ऐसा कुछ मत करना, उल्टे पड़ जाएंगे, नाम मत लेना। नाम किसका ना लेना? जैसे कि हम अपने पिताजी का श्राद्ध करते हैं, भाई का श्राद्ध करते हैं। देखो ऐसा है, पिंडदान होने के बाद
तर्पण आप सदा कर सकते हैं, जल दान सदा उनके नाम से होता है, ये तो शास्त्रों में लिखा है ना। और उनके नाम से कोई भी पुण्य का काम आप करते हैं तो वो आपके द्वारा किया गया आपके बच्चों को भी मिलता है, आपको भी मिलता है, आपके पितरों को भी मिलता है। श्राद्ध कर सकते हैं इसका मतलब? हाँ, जल देना चाहिए। राधे राधे, राधे राधे।